हे हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है, कैसे हो सब लोग? गुड आफ्टरनून गाइस। एक मिनट। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? ओके, आने लगे लाइन से लो, डाउट्स पिक करने लगे, पहले पहले क्वेरी डालने लगे हो। ओके फाइन, विल सी एक एक करके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ये एडजस्ट कर लें। यस, चलो तो लेट मी पिकअप। हाँ ठीक है, मैं सबका क्वेरी देख रहा हूँ यार। ठीक है, थोड़ा एक मिनट वेट करो। आई एम सीइंग लॉट ऑफ क्वेरीज हियर। ओके ओके, तो बेसिकली आई जस्ट टेक अप दिस क्वेरी हियर। एक एक करके ले लेंगे। पहले एक बार मैं भी अपना बता दूंगा क्या चल रहा है, हाउ डू यू प्लान दिस, है ना? एंड देन वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट योर क्वेरीज ऑल्सो, वी लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैं एक बार देख रहा हूँ। सो आई एम सीइंग ऑल द कमेंट्स हियर। आप अपना कमेंट में लिख सकते हो जो भी आपका क्वेरी है यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो देखो, ऑल ऑफ अस नो कि अभी 170 डेज बचा हुआ है ना? एंड वी नीड टू बकल अप। ठीक है, थोड़ा करना पड़ेगा अपने आप को विद प्रिपरेशन की। जैसे आपका 170 डेज का हमको बेस्ट रिलेशन करना है। सो ऑल ऑल ही ऑल वी वॉन्टेड वॉन्ट टू डू इज राइट नाउ कि हम इसका किस तरीके से वी कैन यूटिलाइज बेस्ट ईयर। ठीक है, हम कितना इसका अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसी पीरियड में आपको मॉक्स भी झेलना है ना? तो यू हैव टू सी मॉक्स ऑल्सो। तुमको मॉक्स भी झेलना है इसी पीरियड में, राइट? आपको प्रेप भी देखना है इसी पीरियड में। प्रेप का अप्स एंड डाउन सबको मैनेज करना पड़ेगा इसी 170 डेज में। ठीक है, मॉक्स जब दोगे तो मॉक्स के स्कोर से फ्लक्चुएशंस होगा, तो मॉक्स का जो स्कोर होगा उस स्कोर में क्या होगा, आपका फ्लक्चुएशंस होगा, है ना? तो आपको उन फ्लक्चुएशंस को भी हैंडल करना होगा इसी पीरियड में। ठीक है, कभी कभी बर्नआउट फील करेंगे तो बर्नआउट को भी हैंडल करना पड़ेगा। सो ऑल दीज स्टफ्स यू नीड टू हैंडल बिफोर कैट। ठीक है, रियली लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट 170 डेज बिफोर कैट। ठीक है, इट्स बेसिकली ये मेक और ब्रेक टाइम होता है आपका। ओके, तो इट इज एक्चुअली मेक और ब्रेक फॉर मेनी 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 पीपल। ओके, तो थोड़ा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, हाँ, हेल्थ इज माई हेल्थ इज फाइन यार, थैंक यू, बेटर है। ओके, वायरल फीवर ठीक हो गया ऑलमोस्ट। ओके हाँ, तो देखो अब ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आता नहीं है। अगर आप बोलोगे सर हम जॉब करते हैं, हम जॉब, क्योंकि देखो आप जॉब करते हो या जॉब नहीं करते हो, इन बोथ दी केसेस कैट में कम्पीट तो करना ही है। और तुम लोग को मैंने पहले ही से बोला हुआ है कि हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, सो 99.5+% में हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.5% होते हैं। 2 लाख का 0.5% इज 1000 पीपल, एंड 1000 पीपल में से अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग ऐसे होते हैं, अराउंड 700 लोग, ठीक है, जिनका जो या तो फ्रेशर होते हैं या जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, राइट? मतलब काइंड ऑफ उनका गैप ईयर्स नहीं होता। ठीक है, दे डोंट हैव गैप ईयर्स ईयर। तो ये एक बहुत एवरेज डेटा है लास्ट 5 ईयर, इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट? तो आपको बोलोगे कि 700 पीपल ट्राइंग टू गेट 99 पॉइंट, और हु आर गेटिंग 99.5+, वो लोग जॉब नहीं कर, वो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, वो लोग एज अ फ्रेशर हैं, मतलब वो लोग साथ में कॉलेज भी कर रहे होते हैं। सो दे टेक आउट टाइम, राइट? मतलब आपको टाइम निकालने से ये डेटा हमें, ये डेटा हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि अगर हम टाइम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए ये सॉर्ट ऑफ डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस काइंड ऑफ डेटा एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हियर। ठीक है, इंस्टेंस कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली बात है, राइट? तो एक बार पहले बहुत लोग जॉब जॉब वाली क्वेरी पूछेंगे, तो जॉब का क्या करें, जॉब से क्या करें। ठीक है, सो आई टेल एवरीथिंग। ठीक है, तो जॉब से क्या करें, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट एक बार सेग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, जो लोग भी देखो जॉब या जॉब नहीं कर रहे हैं, राइट, आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन दो तरीके चलता है। ठीक है, सो मैंने अभी अभी हमारे पास 170 डेज बचा हुआ है, तो मैं इसको आराम से डिवाइड कर लूँगा। तो आप बोलोगे कि मेरे पास यहाँ पे टोटल 90 डेज है ना? तो हमारे पास, सॉरी, 80 डेज है। तो हमारे पास देखो, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए जितना हम जितना डीप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, 80 डेज टाइम है मेरे पास,
ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो 90 डेज है, ये 170 को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे तो जो लास्ट का 90 डेज है वो आपका सारा निकल जाएगा मॉक्स देने में, ठीक है, एनालाइज करने में। और ये क्या होता है ना कि जो लास्ट का 90 डेज होता है ये हमारा मॉक बेस्ड प्रिपरेशन होता है, ठीक है। मॉक बेस्ड प्रेप का मतलब क्या होता है कि जो मॉक दे के जो कमियां निकल के आ रही हैं उसको दूर करना है हमें। अगर हमने मॉक दिया तो अच्छा मान पे चल ज्योमेट्री बहुत सॉल्व किया है, बट मॉक पे ज्योमेट्री नहीं बन रहा तो अच्छा ज्योमेट्री थोड़ा और फोकस करना है, अच्छा एलआरडीआई पे थोड़ा फिर सेट से फोकस करना है, ठीक है। तो ना लास्ट का जो 90 डेज होता है वो बेसिकली मॉक बेस्ड प्रेप हो जाता है, राइट। तो इसलिए ये जो 80 डेज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट दी कॉन्सेप्ट, सारे जितने कॉन्सेप्ट हैं आपको कॉन्सेप्ट इन डेप्थ करना है, ठीक है। एंड आपको मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट 80% सिलेबस पे आपका कमांड रहे। तो 80% सिलेबस पे कमांड का मतलब क्या है, कमांड मतलब बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाई करनी है कि जो भी हमारा अल्जेब्रा अरिथमेटिक एलआरडीआई है ज्योमेट्री या नंबर्स है, एक दो टॉपिक छूट गया तो बाद में कर सकते हैं लास्ट के 90 डेज में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पीएनसी छूट गया बाद में लास्ट में कर लेंगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी, या एक टॉपिक मान लो कोई और छूट गया, ठीक है, वी कैन डू दैट दोज स्टेप्स, राइट। बट 80 डेज में हमारा मैक्सिमम काम हो जाना चाहिए, 80% सिलेबस पे इन कमांड होना चाहिए। तो यही हमारा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन रहेगा कि इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो इस 80 और इस 90 डेज को आपस में, राइट। बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो अब जैसे अब बहुत लोग क्या बोल रहे हो कि जैसे सर जॉब के साथ देखो अब ना आपको जॉब करना है, तो देखो जॉब के साथ भी ना आप यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास भी टाइम इतना ही है जितना जॉब वालों के पास नहीं है, कैट तो नहीं है ना, कैट तो तभी देना है। तो देखो जो लोग भी जॉब करते हैं आई वुड जस्ट सजेस्ट टू ऑल ऑफ दोज गाइज कि जो लोग भी आप लोग जॉब कर रहे हो इसी के अराउंड अपना प्रेप रखना, ठीक है। जस्ट ट्राई टू टेक सम लीव्स, जो लोग भी जॉब करते हैं थोड़ा लीव्स वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द पीपल हु हैव टेकन जॉब्स एंड ऑल, जो लोग लास्ट ईयर में जॉब के साथ इन्होंने प्रेप किया है वो लोग लीव्स वगैरह बहुत लेते हैं, ठीक है। सो द सेकेंड थिंग बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जो लोग भी जॉब अपना प्रेप कर रहे हैं जॉब के साथ, ठीक है, तो ट्राई टू टेक सम लीव्स, लीव्स लेना इंपॉर्टेंट है। एंड लीव्स लेना इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बेसिकली लीव्स अभी लोगे लास्ट के लिए छोड़ना क्योंकि लास्ट में तो बचता ही नहीं कुछ भी, ओके। सो ले टेक सम लीव्स, ओके। ट्राई टू मैनेज 4 to 6 आवर्स एटलीस्ट, 4 to क्या ज़्यादा करना पड़ेगा, ट्राई टू मैनेज 5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, 5 आवर्स ट्राई करो वीकडेज में पढ़ाई करने का, ठीक है, एक एवरेज रफ बता रहा हूँ। एंड 10 to 12 आवर्स ट्राई करो वीकेंड पे पढ़ाई करने का, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, 5 आवर वीकडेज में 10 to 12 आवर्स वीकेंड में, सच दैट आपका एक मंथ का आउटपुट सेम रहे एज अ लाइक जो जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट सेम होना चाहिए। तो फायदा भी होता है वो लोग ऐसे, फिर जॉब करने का क्या फायदा है, फायदा है ना कि आपको वहाँ पे आंसर नहीं देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गैप ईयर के क्वेश्चन नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, इंटरव्यू स्मूथ रहेगा, कल कन्वर्जन का चांसेस बढ़ जाता है। तो जो लोग जॉब करते हैं ऑब्वियसली जॉब करने का ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, है ना, तो जॉब करने का फायदा भी है। तो बट हाँ 5 आवर्स ऑन वीकडेज एंड 10 to 12 आवर्स ऑन वीकेंड, तो आपका एक मंथ का आउटपुट सेम रहेगा ऑलमोस्ट सेम एज अ पर्सन हु इज नॉट वर्किंग, राइट। तो ये अगर निकाल लोगे तो आराम से आपका निकल जाओ, हम जो चाह रहे हैं कि अराउंड अराउंड आप जितना टाइम दोगे तो आप दे पाओगे। तो जस्ट मेक श्योर दैट आप 5 घंटे वीकेंड पे दे पा रहे हो, 5 घंटे वीकेंड को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, 2 आवर्स इन मॉर्निंग, अगर क्योंकि एक साथ स्ट्रेच पे नहीं हो पाएगा, सुबह मत सो के उठो के 10 बजे 11 बजे ऑफिस गए, रात में 8 घंटे नहीं पढ़ाई पर 5 घंटा पढ़ नहीं पाओगे। 2 घंटा मॉर्निंग में स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी है, 2 घंटा मॉर्निंग प्लस 3 to 4 आवर्स इन इवनिंग, तो बस बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी क्योंकि फिर जॉब हो रहा है कॉलेज हो रहा है उससे कोई इतना आपको इतना आवर्स देना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, और आप इतना आवर्स दे सकते हो, राइट। वीकडेज में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, वीकेंड में पार्टीज नहीं करनी, ठीक है, जस्ट गो फॉर लाइक 3 to 4 आवर्स हर दिन पढ़ते रहो शाम में और 2 घंटे मॉर्निंग में, और वीकेंड में 10 से 12 घंटे, और कुछ नहीं करना, बाकी सब हो जाएगा आराम से, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, चलो अभी जॉब अप कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अरे ऐसे सब कुछ नहीं बता पाएंगे यार, रुक जाओ एक एक करके। सर आप सर आई एम प्लस सब्सक्राइबर आप ये बताइए, सर आई एम नॉन प्लस सर आप ये बताइए, रुक जाओ एक एक करके रिलैक्स डिस्कस करते हैं एक एक करके सर, ओके। हाँ कर सकते हैं, यू कैन गो टू MSc JBMS फाइनेंस, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओल्ड मैथ्स। देखो ऐसे मटेरियल मटेरियल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो व्हाट आई प्रिफर, ऐसे तो मटेरियल बहुत सारे हैं, कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी कोचिंग का मटेरियल, ओके,
ऐसा कुछ नहीं, मटेरियल का तो इतना बड़ा इशू, मटेरियल का इतना बड़ा इशू नहीं है। मटेरियल तो बहुत सारा दे रखा है अकेडमी पे, देखा है मैंने इतना सारे प्रैक्टिस सेक्शन, मटेरियल नॉट अ बिग इशू, राइट। देखो इसके बाद ध्यान रखो, तो अब के पास थर्ड चीज़ बेसिकली क्या है कि नाउ हाउ यू कैन प्लान राइट नाउ, अब आपको बेसिकली क्या करना चाहिए। सो ऑल ऑफ यू एटलीस्ट, अब लास्ट का तो ठीक है, मैंने चलो बोला कि आपका जो लास्ट का 90 डेज है वो आपका मॉक बेस्ड प्रेप रहेगा, तो लास्ट का 90 डेज मीन्स ऑलमोस्ट अगस्त मिड के बाद है ना। बट मैं बेसिकली आप लोग को मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपना प्रेप इस लेवल का रखो, ठीक है, कि एटलीस्ट 31 जुलाई तक सबको, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा भी, बट 31 जुलाई तक एटलीस्ट कम से कम दो मॉक तो दे ही दो, एटलीस्ट टू मॉक्स, ठीक है। तो इससे हमको अपना प्रिपरेशन का लेवल बहुत सही, तो थोड़ा जुलाई के एंड में कम से कम दो मॉक दे देना, ठीक है, जुलाई के लास्ट वीक में। मे बी आपने एक मॉक 28 को दे दिया, एक मॉक 31 को दे दिया टाइप्स, एक मॉक 27 को दे दिया, 31 को दे दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो जुलाई में कम से कम दो मॉक तो दे ही देना, तो उससे आपका एक प्रेप का आइडिया लगेगा कि भाई किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्या चीज़ें खत्म करनी क्या नहीं करनी है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ पे आता है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज अरिथमेटिक का हमारे पास, तो इट हैज़ गॉट द हाईएस्ट वेटेज है ना। तो आपको देखोगे कि आप जब मॉक दोगे तो अरिथमेटिक के, अलजेब्रा के, ठीक है, नंबर्स के, आपके देखोगे कि मोस्टली इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यू विल सी दैट इन एनी मॉक यू विल फाइंड द मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दीज पार्ट्स हियर, ठीक है। देन ऑफकोर्स ज्योमेट्री एंड लास्ट में पीएनसी प्रोबेबिलिटी, अगर क्वांट की बात करेंगे तो, ठीक है। तो आराम से अगर जैसे ज्योमेट्री है फिर पीएनसी है, तो ये थोड़ा सा इसमें से अगर तीन मॉड्यूल पे कमांड कर लिया तो बाकी दो जो मॉड्यूल है ना, मतलब मान लो नंबर ज्योमेट्री में कोई भी शफल कर सकते हो आपस में, इसको थोड़ा आप अगस्त में भी देख सकते हो, अगस्त तक भी देख सकते हो, अगस्त में देख लिया ये खत्म कर लिया, अगस्त टिल मिड सेप्टेम्बर जा सकता है, ठीक है। बट या एटलीस्ट थ्री मॉड्यूल पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीन मॉड्यूल से कम 80% क्वेश्चन मॉक्स में आते हैं, राइट। तो इसलिए हमारा जो प्रिपरेशन होगा हमारा अब मॉक्स के अराउंड ही घूमेगा, ओके। सो ट्राई टू गिव एटलीस्ट टू मॉक्स बाय जुलाई सब कोई। देखो ऐसे मैंने पहले ही बोला है कि ये जो आपका एक कैट्स वाला कहानी है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, आई जस्ट कम टू दैट, आई जस्ट पिक फ्यू क्वेरीज, एक बार कुछ क्वेरीज लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी पिक फ्यू क्वेरीज, फिर आएंगे, विल कम बैक टू दैट पार्ट हियर, एलआरडीए पे आते हैं, ठीक है। लो अब जैसे मोस्टली क्वेरीज क्या है कि सर देखो इसका लिटरली ना किसी के पास कोई आंसर नहीं होता, ठीक है, कि सर 10th में मेरे इतने परसेंट हैं, 77 हैं, 12th में कुछ भी हैं, एक्स वाई जेड परसेंटेज हैं, बीट ग्रेजुएशन में एक्स वाई जेड परसेंट है, ठीक है, इसका क्या होगा, मेरा क्या प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज कन्वर्जन का, राइट। अंडरस्टैंड दिस गाइस कि ये जो चीज़ है ना, ये आप ऐसे कोई परसेंटेज नहीं बता सकता आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे अपना परसेंटाइल काफ़ी हाई रखना पड़ेगा, काफ़ी हाई का कोई लिमिट नहीं। मैं बोलूँगा 99.99 ले आओ, ठीक है, बोलो सर नहीं आएगा तो 99.89 आ गया तो प्रॉबलिटी कम होता जाता है ना। इसलिए हमें इतना मुझे यहाँ पे ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आना अपने अकेडमिक्स में। ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर कि हमारा जो बेसिक काम क्या होता है, कि कोई भी कॉलेज हमारा जो बेसिक कोर्स देती है वो कंपोजिट स्कोर्स पे देती है, ठीक है। तो ये कंपोजिट स्कोर्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये जो कंपोजिट स्कोर होता है आउट ऑफ 100, ये बनता है आपका कैट का स्कोर प्लस आपका प्रोफाइल का स्कोर प्लस आपका GDPI का स्कोर, ठीक है। एंड किसी भी नॉर्मल कॉलेजेस में, अगर मैं बैंगलोर आई एम इंदौर टाइप का कॉलेज एग्जाम्पल हटा दूं, ठीक है, तो इन एनी नॉर्मल कॉलेज कैट का वेट अराउंड 60% रहता है वेटेज, और GDPI अराउंड 20% रहता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो ये 80% मेरे हाथ में है ना मार्क्स, तो अब ये प्रोफाइल, अब ये ऑब्वियसली बात है सर, ये क्या परसेंटेज में नहीं बता पाऊँगा, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता कि 1077 12th कहते, क्योंकि तुमको कैट का स्कोर पता ही नहीं है, तुमको अपने कैट का स्कोर पता नहीं है, तुमको अपना प्रोफाइल में कितना गैप ईयर है उस सबका, उन सबका अलग अलग पॉइंट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले होते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना लॉजिकली ये ध्यान रखना है कि भाई हमें अपना, अगर मेरा प्रोफाइल ऑब्वियसली अगर मेरा 1077% है, 12th मेरा 70% है, तो मेरा प्रोफाइल थोड़ा वीक है, तो अगर प्रोफाइल वीक है तो हमको इस 20% में मेरे को लेस नंबर मिलेगा, तो अगर मेरे को यहाँ पे लेस नंबर मिलेगा तो मुझे यहाँ पे मोर स्कोर करना पड़ेगा, राइट, आई नीड टू स्कोर मोर एंड मोर ईयर, मुझे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड वंस आई डू दिस तो हमको पता है कि मेरा ओवरऑल स्कोर हाई हो जाएगा। बस यही एक लॉजिक है,
और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तुम जितना भी पूछते रहो सर 77 73 इतना सारे स्कोर लिख रहे लोग ना, पीपल आर लाइक सो मेनी स्कोर सर 77 आया मेरा 72 आया सर 82 आया क्या, कोई नहीं बता पाएगा। तो इसलिए बस एक चीज़ बस समझ लो यहाँ पे कि जितना हमें 99 अगर आपका थ्रू आउट 90% है तो इट्स अ गिव वेरी गुड प्रोफाइल। अगर आपका थ्रू आउट 90% है तो अगर आपका 998 है थोड़ा वीक थोड़ा सा कम हो गया 999 से तो आपको कैट में हाई स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका 888 है मतलब 80 80 80% थोड़ा और हाई स्कोर करना पड़ेगा कैट में GDPI में। अगर आपका 777 है थोड़ा और हाई स्कोर करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा हाई का कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा जब पढ़ाई करोगे सो ट्राई टू ऑलवेज गेट 99.5 प्लस, ठीक है। तो 99.5 प्लस आने का ट्राई करो, उसके ऊपर कितना है तुम्हें भी नहीं पता, कोई मशीन थोड़ी होती है कि सर कितना परसेंटेज चाहिए। मैं बोलूँगा तुमको IIM अहमदाबाद लाने के लिए तुमको 99.73 चाहिए, तो कोई मशीन तो है नहीं वहाँ पे एग्जाम में, तुम दे रहे अच्छा 99.73 आ गया अब रुक जाते हैं मेरा काम हो गया यहाँ पे, ऐसे नहीं होता ना। तो तुमको पता ही नहीं तुम क्या करोगे, तो विल जस्ट ट्राई फॉर 90। तुम एम क्या करोगे, तुम 100 का एम करोगे, बेसिकली 99.5 प्लस का एम करोगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है उसके बाद देखते हैं कि भाई यहाँ कितना कैट में स्कोर आया, फिर कितने कॉल्स आए, फिर GDPI में कितना स्कोर करना है, ये सब बात की बातें होती हैं, राइट। तो राइट नाउ माई फोकस शुड बी जस्ट ट्राई टू गेन एज हाई परसेंटाइल इन कैट एज पॉसिबल, कपल्ड विथ अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कपल्ड विथ एक, मैं तुम लोगों को सबको बोला है पहले भी कि एक दो इंटर्नशिप या सर्टिफिकेशन अपने आप में ऐड करते रहना जिनका भी गैप ईयर है उनके लिए। नाउ आई विल मेक इट वेरी क्लियर, गैप ईयर इन द सेंस कि अगर आपका ग्रेजुएशन 2022 और बिफोर हुआ है तो, ठीक है, 2023 जिनका ग्रेड हुआ है उनके लिए इंटरव्यू में गैप ईयर नहीं माना जाता, राइट। तो अगर आपका ग्रेजुएशन 2022 या उसके पहले हुआ है और आप जॉब नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपका गैप ईयर है। तो इसके लिए हमें थोड़ा प्रोफाइल को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो एक दो इंटर्नशिप करोगे, आप दो सर्टिफिकेशंस करोगे, तो इसका आपको प्रोफाइल में भी मार्क्स मिलेगा और इसका आपको GDPI में भी अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो ये दोनों जगह का वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा अपने प्रोफाइल पे, अपने CV पे भी काम करें, CV पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक दो बोल रहा हूँ अभी करने के लिए और एक दो बाद में कर लेना, मतलब इन द सेंस दिसंबर जनवरी में कर लेना, ठीक है। जब फरवरी के फैब में आपका इंटरव्यूज होगा उसके पहले भी एक आध कर सकते हैं सर्टिफिकेशन वगैरह, और फिर उसके बाद फिर मार्च के बाद कर सकते हैं जब कॉल सेक्शन होता है। तो स्लोली अपने CV को अच्छा बनाना पड़ता है, स्लोली, राइट, बिकॉज MBA में जाके भी तो वहाँ पे काम करना है ना, थोड़ी ये थोड़ी लाइफ यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। तो ऑब्वियसली अब देखो जितना ईजी काम है उसका उतना समझो, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, जितना काम इजी है उतना वेटेज लेस होता है, ठीक है। लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। रुक जाओ यार ऐसे ना लूप में कमेंट नहीं करो, रुक जाओ एक एक करके, ओके, डोंट कमेंट इन लूप, बस आराम से Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, ऐसे नहीं करो, रुक जाओ, ठीक है। तो ना अब समझो यहाँ पे इस पॉइंट को कि जितना ईजी काम होगा उतना वेटेज लेस होता है, राइट। अब इजी काम का अब बोलोगे कि सर इजी काम का वेटेज लेस का क्या मतलब है, किसका वेटेज लेस है। अब बोलोगे फॉर एग्जांपल सबसे इजी मेरे को क्या मिलेगा, NGO में इंटर्नशिप मिल जाएगा, NGO में काफ़ी इजी है, कोई भी मतलब कोई भी किसी अगर स्टूडेंट को अगर 10th में 50% भी आया है वो भी इंजीनियर पढ़ा सकता है, फ्री है पढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सबसे इजी काम है, तो NGO इन इंटर्न जो आपका NGO में इंटर्नशिप है ये सबसे इजी काम है। तो ये आपका CV का एक बकेट फिल करता है कि हाँ भाई हमने, बट अच्छा चीज़ है, लिख सकते हो कि भाई हमने क्या किया, हमने अपने CV ले देंगे या हम अपने मेंशन कर देंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो आई कैन ऐड दिस इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अच्छी बात है, चलो ठीक है, इंटर्नशिप किया, बट साथ में कुछ और। अब साथ में कुछ और कहने का सेंस क्या है, फेलोशिप भी थोड़ी इंटर्नशिप सब लेते हैं, फेलोशिप वगैरह भी, ठीक है, NGO इंटर्नशिप हो गया, फेलोशिप हो गया, ठीक है। तो इससे ये तो ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर डाल दिया हमने यहाँ पे, बट ना अब देखो फॉर एग्जांपल आपको एक दो इंटर्नशिप करना चाहिए एक महीने का ही सही छोटा इंटर्नशिप। अब ये इंटर्नशिप कैसे आता है, तो इंटर्नशिप आने का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि सपोज मैं तुमको बोलूँ कि आपका आप मान लो बोल लो कि सर मेरा ना BA है, हम BA कर रहे हैं हिस्ट्री में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, या हम इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, और आप ना फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि सर मेरे को ना इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी इंटर्नशिप, तो क्या करें,
ठीक है, मेरे को ना इंटर्नशिप करना है मार्केटिंग में, मेरे को इंटर्नशिप करना है फाइनेंस में, तो पहले तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा ना कि आप बोलोगे अगर आपको बीए आपका अगर इंग्लिश ऑनर्स है, आपको कोई नॉलेज नहीं है मार्केटिंग का, आपको कोई नॉलेज नहीं है फाइनेंस का, तो आपको वो आपको कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप क्यों देगी? वाई वुड दे गिव इंटर्नशिप एंड स्टाइपेंड, राइट? इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप उसके आप कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करो, आपको नहीं देगी, आपको नॉलेज ही नहीं है। तो पहले आपको अपना रोल चेंज करना होता है, आपको पता अच्छा मेरे को मार्केटिंग में जाना है, राइट? तो लेट मी हैव फर्स्ट क्या करना चाहिए कि लेट मी डू कपल ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है? सो वॉट आई डू, आई डू कपल ऑफ सर्टिफिकेशन। तो मैं क्या करूँगा, कपल ऑफ सर्टिफिकेशन करूँगा। तो कपल ऑफ सर्टिफिकेशन करूँगा, मार्केटिंग कुछ नॉलेज आएगा। अब इसके साथ मैं अप्लाई करूँगा इन कंपनी के लिए इंटर्नशिप में, तो मुझे कोई लाइव प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा इंटर्नशिप में, तो मेरे को और सीखने को मिलेगा। तो तुमको पहले उस तरफ आना पड़ेगा ना। अब बहुत मैंने देखा है सर इंग्लिश ऑनर्स से बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, सर मेरे को मार्केटिंग इंटर्नशिप नहीं मिल रहा, लेकिन 6 महीने हो गए, 6 महीने क्या 16 महीने हो जाएंगे, नहीं मिलेगा इंटर्नशिप। क्योंकि आपको क्यों मिलेगा इंटर्नशिप मार्केटिंग में, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है, यू डोंट नो एबीसी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आपको फाइनेंस में करना है, डोंट नो एबीसी ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, सो व्हाई वुड एनी कंपनी गिव यू इंटर्नशिप, दे वोंट गिव यू, राइट? है ना? तो इसलिए आपको यहाँ पे लगाना चाहिए कि आपको कपल ऑफ सर्टिफिकेशन यू शुड डू, कहीं से भी, यूडेमी से, कोर्सेरा से कर लिया, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशन कर लिया, एंड आफ्टर दीज सर्टिफिकेशन जस्ट गो हार्ड, ठीक है, एट इंटर्नशिप, फिर मिलेगा इंटर्नशिप। और धीरे क्या होता है, फिर आपका अपने प्रोफाइल में आपने क्या ऐड किया, आपका बिल्कुल ब्लैंक था रिज्यूम में, आपने क्या लिखा, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन किया इन दिस पॉइंट नंबर टू, दिस एक इंटर्नशिप इन दिस, सडनली 3 पॉइंट फिल कर लिया। एक बहुत छोटे कोर्सेज होते हैं, 12 घंटे का कोर्स हो, 12 आवर्स का, 20 आवर्स का, हाँ बहुत छोटा कोर्स होता है, बट अब सी में पॉइंट लेने मिल गया। नंबर वन, डिड इंटर्नशिप, डिड सर्टिफिकेशन इन दिस। नंबर टू, डिड सर्टिफिकेशन इन दिस। नंबर थ्री, डिड इंटर्नशिप एट दिस कंपनी। तो अब 3 पॉइंट भर जाते, तो ऐसे क्या हो रहा है, प्रोफाइल तुम्हारा धीरे अच्छा बन रहा है। तो अपने प्रोफाइल को, अपने सीवी को अच्छा बनाना होता है, सो वर्किंग ऑन सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो ट्राई टू वर्क ऑन सीवी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके? नहीं नहीं कोई सब क्या फालतू के, टॉप 5% कहीं लिखा होता है क्या सर? टॉप 5 वो खाली अपने पड़ोसी वाले आंटी के लिए होता है कि हमको 6 को मिला देंगे 78% आ रहा है, मेरे को 5 में 84 आ रहा है, तो पड़ोस वाले आंटी को बोलेंगे हमको 84 आया, 78 नहीं आया मेरे बोर्ड्स में, ठीक है, तो अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं होता, जितने मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट लिखे हैं उसका परसेंटेज काउंट होगा ना, कहाँ टॉप 5 टॉप 6 होता है, ठीक है? जैसे फालतू की बातें ऐसे कुछ भी करते रहते हो, ठीक है? देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लेता हूँ, 3-4 लोगों ने ऐसा कमेंट कर दिया, मैं सारे कमेंट को मिला मिला के लिख रहा हूँ, आई कम टू एलआरडी ऑल्सो, ठीक है? तो मैं ना यहाँ पे 3-4 चीज़ें और लिख रहा हूँ। एक हमेशा देखो ये रेस क्या चलते रहता है, इट्स ऑलवेज अ रेस ऑफ फ्रेशर्स वर्सेज रिपीटर्स, ठीक है? और ये एक बहुत बड़ा रेस है जो कि चलते रहता है, यहाँ पे दोनों वे इशू है, राइट? बताना समझता हूँ। देखो यहाँ पहला इशू क्या है कि फ्रेशर्स क्या फील करते हैं कि सर रिपीटर का तो ऑलरेडी काम हो चुका है, तो फ्रेशर्स फील लो, ठीक है? या आई कैन से फर्स्ट टाइमर जो कैट दे रहे हैं उनको लो फील, सर रिपीटर कैट खत्म हो चुका है। रिपीटर को क्या लगता है कि यार हम तो रिपीट कर रहे हैं, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे बैच में वो हमसे अच्छा कर रहे हैं, तो ये इधर ये फील लो, ये लो फील करते हैं, ठीक है? दे फील लो, ओके? एंड इसके बाद ना ये क्या चलते जाता है, ये क्या है, तो बेसिकली ये कुछ है नहीं, इसको ना अपने एंशियंट टाइम में इसको ईर्ष्या बोलते थे, ठीक है? दैट इज जलन, और कुछ नहीं है ये, ठीक है? तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि किसी भी स्किल पे ना एक टाइम पे वर्क करना पड़ता है, राइट? अब एक टाइम पे ये जो तुम्हारा फ्रेशर्स और रिपीटर्स का जो भी फंडा है, ठीक है, ये आप रिपीट इसलिए कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ स्किल सेट कम है, फर्स्ट टाइम कैट दे रहे हो तो मेरा स्किल सेट ज्यादा हो इनसे, राइट? तो ये बेसिकली क्या है कि इट जस्ट गोइंग टू लाइक, अब ये क्या है ना, ये जिम जाने जैसा है। आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हारा कोई फ्रेंड, इफ तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा जो कि मोटा हो गया होगा या उसका तभी नहीं ठीक, तो जिम जाओ। अब वो तुमको आके बोलेगा, तुमको तो पता, तुम तुम्हारा पता तुम्हारा क्या आंसर होगा? बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मुझे बताना आंसर क्या होगा, या मैं तो जिम गया था वहां तो पहले ही से लोग इतना बॉडी बना लिए, कोई दौड़ रहा है 2 किलोमीटर, कोई बॉडी बना रहा है, मेरे से नहीं होगा, मैं वापस आ गया, तो उसको क्या बोलोगे, ठीक है? अब अगर एक तो एक अगर वो फ्रेंड होगा बोलेगा हाँ ठीक है बैठ, कोई बात नहीं, तभी खराब होने दो, ठीक है? सेकंड होगा नहीं तो जाओ, वर्क करने से कम तो होगा ही ना।
तो एक सर्टेन कहने वाले कि एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल सेट गेन करने के लिए हम आराम पे उससे उस पर वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे कैट का प्रिपरेशन, तो कैट का देखो ज़्यादा तो कोई लिमिट नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी है, तो यूपीएससी में कोई 4 अटेम्प्ट देने के बाद आईएएस बना बना ना, देखते हो ना, न्यूज़ देखते हो राइट, कि 4 अटेम्प्ट दे दिया अब जाके आईएएस बने। ठीक है, तुम देखो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। ठीक है, गेटिंग इट राइट, है ना, किसी का फर्स्ट में हो जाता है ना, बट बोथ आर सक्सेसफुल। ठीक है, दोनों को सक्सेस मिला, विले से कि नहीं यार ये नहीं, तुम्हारा चौथा अटेम्प्ट है तुम आईएएस नहीं हो, हम तुमको आईएएस नहीं मानते, तुम्हारा चौथा अटेम्प्ट है, तो उसको नहीं मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं बोलते, वो भी इक्वली रिस्पेक्टेड है, वो भी इक्वली सक्सेसफुल है। तो ये सब जो आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एग्जाम्स लाइक आईटीजे, एग्जाम्स लाइक कैट, एग्जाम्स लाइक नीट, जहां पे आपका जिंदगी बदल जाता है क्लियर करने के बाद, योर होल लाइफ टेक्स अ यू टर्न हियर राइट। तो इसका इस इन सब एग्जाम में क्या होता है कि आपका ना एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। तो मैं बोलूंगा, जैसे कोई बोलेगा सर यूपीएससी में मेरे को ना 300 दिन चाहिए, दिन ऐसे करके बोलेगा कोई, मान लो मैं बोलूंगा ना कैट के लिए, कैट के प्रिपरेशन के लिए, मतलब फॉर मी द अपर लिमिट इज 180 मंथ्स। ठीक है, सॉरी 180 मंथ्स बोल रहा हूँ, 180 डेज। ठीक है, दैट इज 6 मंथ। तो 180 डेज, दैट इज 6 मंथ, मेरे लिए कैट का प्रिपरेशन का मेरे लिए अपर लिमिट है। ठीक है, इफ यू कैन जस्ट स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 6-7 आवर्स पर डे, 6 to 8 आवर्स अगर तुम पर डे दे सकते हो, तो आपका 180 डेज मोर देन इनफ है। अब इसमें वेरिएशन होगा, बोलोगे सर जिसने 150 डेज किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो जो उसको और आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो इट्स मोर ऑफ आवर्स राइट। ठीक है, तो मेरे लिए 180 डेज 6-5 मंथ्स इज अ गुड इनफ फॉर कैट। ठीक है, अब बोलेगा सर मैं कोई 160 डेज में कर सकता हूँ, मैं करूँगा 140 डेज में, तो भाई यहाँ पे इसको 9 आवर्स कर दो, है ना, बात वही हो जाएगा, टाइम बढ़ा ना, टाइम एंड वर्क, M1D1 इज M2D2, तो 140 × 9 सेम। कोई बोलेगा सर मैं 240 डेज दूंगा, तुम 4 घंटे दे दो पर डे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट्स केस ऑफ आवर्स राइट। तो मैं बेसिकली मेरा क्या मानना है कि 180 डेज 6 मंथ इज गुड इनफ फॉर कैट, अगर आपका यहाँ पे क्या है, एवरी मिनट गोज इन द राइट डायरेक्शन, जो आपका एवरी मिनट है आपके प्रेप का कहाँ जाए, राइट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, 180, बट यही क्या होता है कि हमारा, हम इंसान है ना, अब कभी किसी का थोड़ा, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को एलआईडी से डर लगता है, किसी को वीआर से डर लगता है, कभी हम लोग ज़्यादा रील्स देखने लगते हैं, कभी हम लोग आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं, कभी हम लोग बीच में अपनी फ्रेंड से निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल दिस क्या जाता है आपका, कैट में जाता है, कभी फर्स्ट अटेम्प्ट, कभी सेकेंड अटेम्प्ट, कोई थर्ड भी क्लियर कर रहा है। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वन अटेम्प्ट कैट में इज इनफ। जैसे यूपीएससी में 1 अटेम्प्ट इज इनफ, अब बहुत लोग क्लियर कर लिए, रैंक 1 रैंक 2 बोलो यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं बहुत लोग। ठीक है, वैसे ही कैट ही 1 अटेम्प्ट इज इनफ, बट आप उसको, आपको और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए टाइम कम है आपके पास, कम टाइम दे पा रहे हो, माइंड पे ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इसलिए इसमें कोई भी घबराने का बात नहीं है राइट। इसके बाद हैविंग सेड दैट, आई यू शुड ऑल नो कि जो हमारे जो स्टूडेंट है, ऑल दीज स्टूडेंट्स, 99.99 मृदुल, 99.97 क्रिश, 99.97 आदित्य, 99.92 अश्विनी, अश्विनी जो जॉब करती थी, ठीक है, रिपीटर, 99.87 कृष्णा, 99.79 ठीक है प्रणव, 99. ऑल दीज गाइज वेयर फर्स्ट टाइम कैट, इन सब का फर्स्ट टाइम कैट था। ठीक है, और इनमें से कोई भी स्टूडेंट ना तो किसी NIT से था, ना तो किसी IIT से था, और ना तो किसी SRCC टाइप के कॉलेज से था। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं था। तो ऑल दीज गाइज, और इन्होंने, ऑल दीज गाइज हैव अचीव्ड द टॉप रैंक्स इन कैट राइट। कोई यहाँ पे IIM इंदौर में है, कोई आप MDI में है, कोई IIM FMS में है, कोई IIM बैंगलोर में है, कोई IIM अहमदाबाद में है, ऑल द डिफरेंट थिंग राइट। तो ये सारे क्या थे, इन सब का फर्स्ट टाइम था। तो अब तुम खुद ही बोलो कि इसमें रोने का कोई कोई सेंस बनता है क्या, बताओ। अब अगर ये लोग भी रो रहे होते कि सर मेरा तो फर्स्ट टाइम है कैट का, 50,000 तो रिपीटर है, 50,000, 50, अगर आप मेहनत करोगे तो आपने 50,000 रिपीटर को बीट कर दिया,
आपने 10,000 लोग IIT NIT के देते हैं, आपने आपने उनको बीट कर दिया, आपने वहाँ पे टॉप कॉलेज के जो लोग होते हैं विथ ब्रिलियंट अकेडमिक्स 99% इन 12th 99 इन 10th आपने उनको बीट कर दिया, ठीक है. सो यू बीट लाइक एवरीबडी, गेट इज द पॉइंट राइट. इसलिए क्या बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ में ना कुछ नहीं पड़ा हुआ है. आई वॉन्ट सक्सेस इन लाइफ. मेरा मे बी मेरा कैट का थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है. दिस अटेम्प्ट मेरा हो सकता है कि मेरा कैट का ये हो सकता है कि राइट नाउ मेरा कैट का ये फोर्थ अटेम्प्ट हो. दैट्स परफेक्टली फाइन. मेरा कैट का फोर्थ अटेम्प्ट हो सकता है अभी किसी का, पर्सन ए का, और पर्सन बी का कैट का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है. बोथ पर्सन ए एंड पर्सन बी कैन गेट 99.99 इन कैट. दोनों को आ सकता है एक साथ, ठीक है. कब? जब जिसका फोर्थ अटेम्प्ट है उसने अपने सारे गलतियों पे काम किया हो, और जो कैट के लिए रिक्वायरमेंट है कि भाई हमने क्या हमने 700-800 LRDA सेट सॉल्व किए, ठीक है, क्या हमने एटलीस्ट 3,000 से 4,000 क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, क्या हमने सिलेबस को इन डेप्थ ख़त्म किया अच्छे से, हाँ, क्या हमने एटलीस्ट 40 से 50 मॉक्स दिया, ठीक है. और इन सबको करने के बाद हम लास्ट में कैट में बिल्कुल पैनिक नहीं हुए, वी डेंट गेट पैनिक. ये सारे कंडीशन जरूरी है. तो अगर इतने चीज़ें साथ में हैं तो यस, तुम 400 में कैट क्लियर कर सकते हो 400 में. और अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें हैंडल कर ली हैं तो फर्स्ट में ला सकते हो 99.99, ठीक है. इसलिए ये चीज़ें लेट्स फिनिश दिस टॉपिक ऑफ. और मैं कोई निगेटिविटी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इसे कि इतने बड़े बड़े एग्जाम है लाइफ में, कैट, जैट, UPSC, नीट, ITJEE, जो लोग ये सब एग्जाम देते हैं इनका पूरा जिंदगी बदल जाता है एग्जाम क्लियर करने के बाद, ठीक है. तो ये एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो पहले आपको क्या चाहिए? पहले आपको चाहिए एटीट्यूड, एंड देन यू नीड पॉजिटिविटी. उसके बाद ही बाकी चीज़ें आती हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो, ठीक है. एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी, दिस इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप अपना लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो तो. अगर ये दो चीज़ नहीं आएगा तो बाकी चीज़ लाके कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस, ओके. कोई मैटर नहीं करता सक्सेस. देखो, MBA का कोई एज नहीं होता, सक्सेस का कोई एज नहीं होता, ठीक है. समबडी इज, आई नो समबडी हु इज दैट IIM इंदौर एट द एज ऑफ 29 ईयर्स. आई नो समबडी हु इज इन IIM अहमदाबाद, ठीक है, दिस ईयर, ठीक है. आई थिंक या FMS में क्या जाएगा इसका एज, क्रिश का एज 19 ईयर्स है, ठीक है. सो बोथ आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, ठीक है. आई एम अहमदाबाद में 20 ईयर्स में भी कोई जा रहा है और कोई 29 ईयर्स से भी जा रहा है, एंड बोथ आर सक्सेसफुल. अगले 30 साल लाइफ में दोनों सक्सेसफुल कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छे कॉलेज से MBA किया है, ये अच्छे प्लेसमेंट करेंगे, अच्छा काम करेंगे. तो दे बोथ हैव अचीव सक्सेस इन लाइफ, ठीक है. तो इसलिए सक्सेस एक्सेस का कोई एज नहीं होता. जस्ट गिव योर फुल एफर्ट, अपने फुल एफर्ट सोचोगे तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है ये, ओके. तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से हटा दो, ठीक है. पता नहीं यार, अकेडमी ऐप नहीं पता मेरे को, ओके. आई विल जस्ट कम टू LRDA गाइस, मैं अभी LRDA पे आता हूँ, ठीक है. एक बार फैमिली बिजनेस हो है वहाँ से, सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है. देखो, कहीं से भी अब आपका फैमिली बिजनेस है एंड कुछ भी है, ठीक है. सो ऑल दैट स्टफ जस्ट टेक दैट कि आपके पास, अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है तो वर्केक्स को शो करने के लिए आपके पास इधर नंबर वन, और इधर यू शुड हैव लाइक सैलरी स्लिप होना चाहिए. अगर सैलरी स्लिप का सबसे हाई इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो कम से कम अकाउंट में सैलरी क्रिएट होना चाहिए. सैलरी क्रिएट, उसका स्टेटमेंट दिखा सकते हो, ठीक है. तो इन दो चीज़ों का सबसे हाई इंपॉर्टेंस होता है, ये नहीं तो ये. अब उसके बाद थर्ड चीज़ें वही होती है कि जितना ये कम होता जाएगा तो उतना तुम्हारा वो वर्केक्स का वैल्यू कम होता जाता है. अब कोई बोलेगा सर, कोई लिख के ले आएगा, सर हमने 5 साल काम, 3 साल काम किया है अपने कंपनी में, बस एक लेटर है, सैलरी कैश में आता था, ये होता था. तो उसको भी लोग शक से देखते हैं, वहाँ पे शक की निगाहें, ओके, जो इंटरव्यूज होते हैं. तो दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सैलरी क्रिएट इन अकाउंट और सैलरी स्लिप होना चाहिए. तो वर्केक्स सबसे बेस्ट चीज़ होता है. इसलिए मैं बोलता हूँ किसी फ्रेंड का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस, ट्राई क्या करो कि सैलरी अपने अकाउंट में क्रिएट करवा लिया करो, ठीक है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके. देखो, कैट के सिलेबस से आई वोंट टेल एडवाइस एनी ऑफ यू कि आप कैट के बाद आप SSC या बैंकिंग सोचो अभी, ठीक है. क्योंकि अभी ऑब्वियसली आप बिल्कुल हाईएस्ट स्किल सेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है. तो कैट में के थ्रू
आप बिल्कुल यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू गेट दैट हाईएस्ट स्किल सेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन ईयर, ठीक है? तो अभी अपना स्किल सेट को डाउन मत करो, डोंट थिंक अबाउट एसएससी एंड बैंकिंग, ठीक है? अब स्किल सेट को डाउन करने का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली देखो कोई लिमिट है ना यार, तुम कितना भी बैंक में जॉब कर लो, अगर तुम एम्बिशियस इंसान हो तो एसएससी और बैंकिंग तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि दीज आर मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? ठीक है, तुम कितना भी देख लोगे कि अगर कोई भी आज बंदा कितना भी बड़े पोजिशन पे है, ठीक है, ही इन हैंड द हाइएस्ट सैलरी वुड बी अराउंड लाइक 2 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ से ज़्यादा कोई उठा नहीं रहा, इवन ए वेरी सक्सेसफुल ए पर्सन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है? बट कैट और कैट वैट में, अगर कैट में जैट में अगर आपको हाई परसेंटाइल आता है तो पीपल आर इवन अर्निंग 6 to 7 लाख पर मंथ, ठीक है? लोग 1-1 करोड़ का पैकेज उठाते हैं, पीपल 1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं अपने 30-35 ईयर्स के एज में, 40 ईयर्स के एज में, ठीक है? मे बी तो बहुत लोग 1-1 करोड़ का पैकेज लेते हैं, ओके? तो इसलिए कोई मैच ही नहीं है, ओके? यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं है, यहाँ 20 से 30 लाख का पैकेज, यहाँ पे 1 करोड़ का पैकेज, ओके? तो कैट एक एग्जाम है जहाँ पे आप हाईएस्ट स्किल सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एसएससी बैंकिंग को भी मत, अपना माइंड मत डाइवर्ट करो, जस्ट गिव फुल अटेंशन एट कैट, ठीक है? अपना फुल अटेंशन कैट पे दो, ओके? नॉट नेसेसरली कि सर बोलोगे सर मेरे को ना 99.9 नहीं आ सकता, ठीक है, आपको कैट में 99.99 नहीं आ सकता, फाइन, अग्रीड, बहुत लोग को नहीं आ सकता, बहुत लोग का उतना हाई, बट 98 तो आ सकता है, 97 तो आ सकता है, 96 तो आ सकता है, ठीक है? इतने ही में लोग देख ही रहो, एक बंदी अभी 90, उसको 94% था उसका, है ना, 94% था कैट में एक लड़की का, वो आईएम संबलपुर गई, और आईएम संबलपुर से उसने क्या उठा लिया, वहाँ से उसने 64 लाख का पैकेज उठा लिया, ठीक है? तो इसलिए, बट हाँ, ये 94 में संभव हो पाया, ठीक है, 94 में हो पाया, अगर उसका 84 होता तो फिर नहीं हो पाता, इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता इतना पैकेज उठाने का किसी कंपनी में, कंपनी आती ही नहीं कैंपस में, ठीक है? तो ट्राई टू गेट अराउंड 95 के आसपास कैट में, बट एम क्या करेंगे, एम शुड बी ऑलवेज 99.99, एम शुड ऑलवेज 99.9, ठीक है? भले गिरेंगे 95 पे, 96 पे, 97 पे, बट एम हमेशा 99.9 का होगा, राइट? इसलिए जस्ट ट्राई टू अपने आप को किसी और डाइवर्ट मत करो, एडवाइस सेम एडवाइस करूंगा आप लोग को, ठीक है? देखो यूनिवर्सिटी का अगर आपका लेट हो रहा है यूनिवर्सिटी के वजह से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, राइट? ठीक है, देयर इज नो इशू विद, कोई यहाँ पे इशू नहीं है यूनिवर्सिटी का लेट हो रहा था, देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो इशू, ओके? जीमैट कर सकते हैं, बट अगेन कैट के बात करना, ठीक है? अगर मेरा जीमैट को लेके यही टेक है कि अगर आपके आपका कोई बहुत ड्रीम कॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ड्रीम कॉलेज नहीं है कि हमको स्टैनफोर्ड से पढ़ना था, हमको इनसीड से पढ़ना था, ऑल दैट, राइट, मतलब ऐसे ही बस फॉरेन जाना चाहते हो, जी मैं बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, तो बेटर है कि पहले कैट के थ्रू इंडियन कॉलेज से एमबीए कर लो और फिर बाहर जाओ, रुपीज़ में खर्च करो, डॉलर में अर्न करो, ठीक है? 20 लाख में 25 लाख में एमबीए हो जाएगा इंडिया में एट द मैक्सिमम टॉप कॉलेज से, आईएम से, ठीक है? यही जी मैट के थ्रू आपको 80 लाख रुपये लग जाता है, ठीक है? तो फिर वो कंपल्शन आता है अपने आप के, इस 80 लाख लग गया, 70 लाख लग गया, अब इसको लोन पे करने के लिए बाहर ही मेरे को जॉब करना पड़ेगा, तो राइट टू बिल्डिंग का बिल्कुल फ्री रहो, 20-25 लाख में एमबीए हो गया, कैट खत्म हो गया, कैट सच्चे कॉलेज से आराम से 2 साल में लोन पे ऑफ कर दिया अपना लोन, बिल्कुल फ्री है लाइफ टाइम, सिंगापुर बहुत लोग हैं मेरे स्टूडेंट हैं, IFT दिल्ली के स्टूडेंट हैं, सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, सिंगापुर में वीज़ा में जॉब कर रहे हैं, ग्रैब में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अटलांटिस में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज में कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता, बट हाँ, इंडिया से करके एडवाइस की जॉब, ओके, दैट वुड बी बेटर, रुपीज़ में खर्च करो, डॉलर में अर्न करो, भाई डॉलर में खर्च कर उल्टा नहीं करना, ओके? थैंक यू शांतनु। रिवाइज कैसे करें, ठीक है? देखो रिवाइज करने का इससे देखो हमें देखो हमारा जो रिवाइज होता है ना, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, हमारे रिवाइज रिविजन है वो बाकी एग्जाम से डिफरेंट है, राइट? तो बहुत लोग यूपीएससी में जो उसमें पढ़ाई कर उसको रिवाइज करना पड़ेगा नोट्स अपना, ठीक है? या जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ITJEE में उनको केमिस्ट्री का नोट रिवाइज करना है, हमारा डिफरेंट है। हमारा क्या है, हमारा रीजन जो होता है वो हमारा लाई करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अराउंड, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स का टाइप याद करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करना हमारा मेन एम होता है, ठीक है? तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर आपको जो भी रिवाइज करना है अपने पे, जो भी आप रिवाइज करना चाहते हो, राइट,
आपको हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपको LIDA रिवाइज करना है, हाँ, तो सारे आपको पता है मैंने क्या क्या कोर्सेज लिए हैं, क्या क्या सेट्स किए, आप सबको पता ही है। वापस से खोलो सेट वन, अच्छा सेट वन लगता था ईजी है, हो जाएगा, फिर फंडा था, फाइन। सेट टू लगा नहीं है, सेट टू थोड़ा लंबा सेट है, लेंदी है, जो कर लेते हैं, वहाँ लिखो, सॉल्व करो, टेक 20 मिनट्स टू सॉल्व इट, ठीक है? 20 मिनट सॉल्व करने में लो, सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया, गुड। नहीं सॉल्व हुआ तो देखो सॉल्यूशन, ऐसे सीखने को मिलेगा। तो ये रिवाइज करना होता है। रिवाइज में क्या होता है कि आपको जो आपको एक एटलीस्ट जो आपने सेट जो भी सेट LIDA में आप उसको उसको बार बार रटना नहीं है LIDA के सेट को, बट जो भी सेट आपने LIDA में एक बार किया है उसको एक बार और कम से कम जरूर करना चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छा सेट है तो मे बी दो बार भी, बट आपको वो वैरायटी दिमाग में रहनी चाहिए, तभी ना दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? भूलते हुए रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वैरायटी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, राइट? तो आपको यहाँ पे आपको दिमाग में अपने वैरायटीज पुट करनी चाहिए। सेम गोज टू क्वांट ऑल्सो। अगर हम क्वांट रिवाइज मान लो, हमको क्वांट में रिवाइज करना है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा का फंडा रिवाइज कर, जो उन्होंने नोट्स बनाया था, अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन लिखे थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम्हें दिखेगा कि अरे अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिखे मान लो इनइक्वालिटी रिवाइज करो, तुम्हें दिखेगा एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फाइव इज लेस देन जीरो, ठीक है? एग्जाम देगा, अच्छा वो क्या ही सॉल्व करना, पता है कि हो ही जाएगा ये तो, ठीक है? कुछ पंडा है नहीं इसमें, ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, तो आगे क्वेश्चन दिखा कि नहीं भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन जीरो, बोलोगे हाँ यार ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? क्लास में किया था, क्वाड्रेटिक है, डी का फंडा था, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमेशा पेपर पेन बैठ के रिवाइज करोगे, इसको इसको स्किप कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो हमेशा पेपर पेन लेके बैठ के और सॉल्व रिवाइज करने में आपको मेहनत लगेगा, ठीक है? रिवाइज ये नहीं किया, वे बहुत अगेन क्या है, अगेन इट्स अ हार्ड वर्क इन रॉन्ग डायरेक्शन। क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा का नोट कॉपी ले लिए, मस्त रिवाइज कर रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया यार, मतलब अपने अपने में देख के खुश हो रहे हैं कि हमने अलजेब्रा का दो मोटा कॉपी बना दिया, क्या बात है, बहुत मेहनत किया हमने अलजेब्रा कॉपी बना। अरे वो ठीक है, दैट इज स्टेप वन, वो तो करना ही है मुझे, ठीक है? आगे, राइट, आगे, ठीक है? आगे आपको क्या करना है, एज अ क्रिकेटर, एज अ लर्निंग क्रिकेटर खुश हो गए यार, हम सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटा प्रैक्टिस करके आ गए, बहुत बढ़िया, अब खुश हो रहे हैं अपने बैठ के, क्या बहुत मेहनती हैं। आगे स्टेप टू, इंडियन टीम के लिए खेलना है ना, तो उसके लिए करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा स्किल सेट, तो वही काम यहाँ पे भी है, बना दिया अलजेब्रा, दैट इज रिक्वायर्ड, वो तो बहुत फ्रंट काम है आपका, वो तो बहुत बेसिक काम है, करना ही था आपको, अब आगे मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है, नए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? ये करते रहना है आपको, और प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए एक स्टेप पे आगे खुश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? बिकॉज यू आर फाइटिंग विद द टॉप 1% ऑफ द कैंडिडेट, जो लोग कैट का प्रिपरेशन देंगे, आप 99.5 प्लस एम कर रहे हो, तो आप टॉप 0.5% से फाइट कर रहे हो ना, ठीक है? कंसिस्टेंट फोकस कैसे करें LRDI में? सर सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, देखो LRDI में, देखो सेट, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ LRDI का सेट कभी भी ना अपने कॉपी के स्टार्टिंग में हमेशा से बना लिया करो, ठीक है? कि LRDI और क्वांट ना हमारा दो विशेष सर्कल है, ठीक है? क्वांट और LRDI हमारा दो सर्कल है, राइट? ये बना लो कॉपी के स्टार्टिंग में, कभी बाद में ना तकलीफ नहीं होगा इस बात फालतू का। अब ये आपका एक क्वांट एक सर्कल है और आपका LRDI एक सर्कल है, ठीक है? देख नहीं रहोगा यहाँ पे, ठीक है? मान मेरा LRDI एक सर्कल है, तो अब ना ये जो सर्कल हमको यहाँ, हमने इस सर्कल पे, इसलिए का सर्कुलर ट्रैक, राइट? अब ये सर्कुलर ट्रैक है, मैंने इस सर्कुलर ट्रैक पे यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है? मुझे LRDI आने के लिए मुझे क्या होना चाहिए कि मुझे कम से कम 300 सेट्स तो मिनिमम है, ठीक है? सो एट द मिनिमम मुझे 300 सेट्स तो करना है। तो जब तक मैं ये पूरे सर्कल को ख़त्म नहीं करूँगा इस रेट को इस यहाँ पे, और मैं 300 सेट्स ख़त्म नहीं करूँगा, ठीक है, तब तक मेरा माइंड सोचना ही सोच नहीं पाएगा लड़े में नए सेट्स में, ठीक है? और 300 सेट करके खुश भी नहीं होना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा स्टेप वन है, राइट? अब इसके बाद तुम्हारा माइंड LRDI में सोचने के लायक बन गया है, तो उसको तुमको और डेवलप करना पड़ेगा, है ना? तो अब जब तुम इसके आगे अपना सर्कल क्रॉस करोगे, तो अब तुमको यहां से मजा आएगा LRDI, मजा इन द सेंस क्या होगा, अब तुमको रेपिटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? तुमको अब कुछ सेट्स के फंडे सेम मिलेंगे पहले किए हुए थे, ठीक है? तुमको कुछ फंडा सेम मिलेगा जो पहले किया हुआ है, कुछ सेट सेम मिलेंगे, कुछ सिमिलर मिलेंगे, है ना? तो तुमको वहाँ पे रिपीटेशन होगा, तब तुम्हारा क्या होगा, तुमको यहाँ पे तुम यहाँ तक तुम LRDI में इंजॉय करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? फर्स्ट 300 सेट्स इज वेरी डिफिकल्ट इन LRDI, बिकॉज यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, टाइम ही देखना उस समय, मे बी वन आवर सेट, मे बी 40 मिनट्स अ सेट, समटाइम अ सेट कैन गो टू 1.5 आवर्स ऑल्सो जा सकता है, ठीक है? इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क आउट ऑफ यू,
पहला 300 सेट में 30 मिनट 40 मिनट एक घंटे स्पेंड करना, बट उसका फ्रूट मिलेगा उसके बाद, ठीक है। सेम गोज इन क्वांट। क्वांट में क्या होता है, क्वांट में 24 चैप्टर्स होते हैं, एटलीस्ट 24x100 क्वेश्चंस पर चैप्टर। जब तक आप ये 2400 क्वेश्चंस क्वांट में नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपका माइंड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस तरीके से। और जब 2400 क्वेश्चन क्वांट में कर लोगे, उसके बाद जब क्वांट में आगे बढ़ोगे ना, तब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इंजॉय वाला फेज आएगा कि अब तुमको मज़ा आ रहा है, ठीक है। बट पहले मज़ा आने के लिए तुमको पहले वो यू हैव टू टेक दैट पनिशमेंट ऑन योर सेल्फ, राइट। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू विल फील बर्न आउट, बट अगेन यू नीड टू लाइक रीजनरेट योर सेल्फ, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब बीच में कोई फायदा नहीं है रोके। अब बोलोगे सर किसी ने बोला सर मेरा ना 100 सेट सॉल्व हो गया, 100 सेट, बट मेरे को ना LRDA में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, बहुत दूर हो मंजिल से। हमें LRDA में करना है 700-800 सेट्स कर रहे हैं मुझे LRDA में, तो पहले तो यहाँ पहले पहुँचो, तो पहले रीच समवेयर रीच टिल 300 एट द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा स्टेप वन है, तभी स्टेप टू आएगा ना। इसलिए ये चीज़ ना अपने कॉपी की स्टार्टिंग बना लो कि जब जर्नी स्टार्ट किया है तो बीच में लोगों को फायदा ही नहीं। अब मेरे को वॉक करना है 20 किलोमीटर, ठीक है, हर 2 किलोमीटर रो रहे हैं, अरे बहुत दूर है, फिर रो रहे हैं बहुत दूर है, फिर रो रहे हैं बहुत दूर है, कोई फायदा नहीं है। ये तुम रोगे तो इस रोने का किसी को सुनना है, कोई सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तुमको वो जर्नी 20 किलोमीटर कंप्लीट करना है, राइट। सो इसलिए इस रास्ते के बीच में रोगे कोई फायदा नहीं है कि सर बहुत दूर है नहीं हो रहा है। फर्स्ट फिनिश दिस स्टेप, टू स्टेप, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे, ओके। हाँ बढ़िया प्रशांत, गोइंग गुड, ओके। देखो अल्टीमेटली इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हो उस पर, आगे 5-6 कमेंट इस टाइप के लग रहे हैं कि सर मॉक कब से दें, ठीक है, मॉक स्टार्ट। देखो मैंने बताया कि मॉक को स्टार्ट करने का ना एक ये होता है, आपको अगर जब मॉक स्टार्ट करना है तो मॉक को स्टार्ट करने का एक प्री रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसका रिक्वायरमेंट है कि आपने कम से कम LRDI में आपने 300 सेट सॉल्व कर लिए हैं। LRDI में 300 सेट्स यू हैव सॉल्वड, ठीक है, और क्वांट में आपने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स या ज्योमेट्री, आपने 3 मॉड्यूल पे कमांड कर लिया है, ठीक है। कमांड की बहुत क्वेश्चन हो, बहुत इनडेप्थ पढ़ाई की है, एकदम इनडेप्थ बहुत क्वेश्चन किए हैं, अब आप दे सकते हो मॉक्स। क्योंकि अब जब मॉक दोगे ना तो अब एक मॉक का सेंस बनेगा। क्या सेंस बनेगा मॉक का, सेंस ये बनेगा कि अगर आपके पास क्वांट पे वहां पे 22 न्यू क्वेश्चन है तो क्वांट में से 22 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम आप आराम से 15-17 आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ा रहेगा तो, ओके। सिमिलरली LRDA के वहां पे 4 सेट हैं, तो आपको आपने 300 सेट किया हुआ है तो आपका माइंड ढूंढेगा कि भाई कौन से सेट मुझे करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, वेन डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो आप LRDA वहां पे 2 सेट टारगेट कर सकते हो, ओके। तो उसके बाद ही मॉक, तभी मॉक का सेंस बनता है, मॉक का सेंस नहीं बनता। मॉक मतलब क्या होता है, जजिंग योर प्रिपरेशन लेवल, ठीक है। तो जजिंग द प्रिपरेशन लेवल मीन्स कि अभी तो जज नहीं कर सकते ना, अगर अभी हमने स्टार्ट किया है तो मॉक के देखे फायदा ही क्या है। सर मॉक अभी आए थे लोग क्लास में, आ रहे थे बहुत लोग, यूट्यूब पे देखो, वो यूट्यूब पे मेरे को ना यूट्यूब में रोजा पे ना बहुत लोग कमेंट करेंगे, सर अभी आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन मे, मैंने अभी जून, अभी मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया, आई जस्ट गॉट 18 मार्क्स, फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड, व्हाट टू डू। तो इसमें क्या है, खुद ही ये क्या होता है ना, सेल्फ किलिंग कर रहे हो। एक मई से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, एक महीना हुआ है प्रिपरेशन करते हुए, 2 महीना, अब मॉक दे दिया, मॉक में 18 नंबर आया, फीलिंग डीमोटिवेटेड। तो ये कोई बात हुआ, मैं कल UPSC का मॉक दे दूँ, अयो कल UPSC मैं पढ़ाता हूँ कैट के लिए, UPSC का यार मेरे को UPSC का 20 नंबर आया यार 200 में से, क्या मैं किसी लायक नहीं हूँ, आई एम दैट बैड, क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी। अरे क्यों भाई, मैं तैयारी नहीं किया UPSC के लिए। तो तैयारी करने के बाद मॉक का लेवल जज करेंगे ना यार, ऐसे कैसे बीच में जज करने लगेंगे। तो पहले अपने आप को उस लेवल बनाओ, तो वो लेवल के लिए कि हाँ पहले अब हम मॉक देना है मुझे, तो मॉक देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, मतलब उतने तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये आपका प्री रिक्वायरमेंट है, ओके। इसलिए फालतू इतना अपने पे अननेसेसरी लोड मत लिया करो, एक तो ऐसे ही जिंदगी में इतना लोड है, ऊपर से और अपने पे अननेसेसरी लोड ले लेते हो, ठीक है। थोड़ा इन्जॉय करके पढ़ाई किया करो यार, ठीक है यार। रोना दो ही देखो, दो चीज़ है जर्नी में, रोना नहीं है, ठीक है। रोगे तो फिर पहुँचोगे नहीं, ठीक है। पहुँचो, जो पहुँचते हैं वो रोते नहीं है, दो ही चीज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए रो के कोई काम नहीं करना है, आराम से पढ़ो अच्छे से, ओके ओके।
बना लो ऐसा कोई मंथ इतना कोई लिमिट थोड़ी है मंथ सर्टिफिकेट बनाने का, जितने साल करते हो ना बना लो, जब अपना ही कंपनी है तो क्या फर्क पड़ता है। देखो जिनका भी बीच में कॉलेज एग्जाम्स आएगा, सो हुएवर आर गेटिंग कॉलेज एग्जाम्स इन बिटवीन, ठीक है ना, इट्स फाइन। जब कॉलेज एग्जाम जब खत्म होगा तो फ्री भी तो हो जाओगे ना, तो अभी जितना आवर्स लॉस्ट है उसको एग्जाम के बाद मेकअप कर लेना, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। मैंने तुमको क्या बोला, आई टोल्ड स्टार्टिंग ऑल ना कि ऑल दिस गाइस वर फ्रेशर, राइट? तो सब ये सब फ्रेशर थे, 99.9 जितने लोग को आए, 99.8 आया, तो ये लोग का भी तो एग्जाम आता होगा ना, पढ़ाई करते होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इनका सब इनका सबका एटलीस्ट सबका CGPA मैंने देखा है कि 7-8 तो हैं, 80% तो सो हैं, ठीक है, तो पढ़ाई करते ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। अरे बहुत बड़ा अनअकैडमी का प्रैक्टिस सेक्शन है LRD का, भी तो मैं बता रहा था आज मॉर्निंग वाले क्लास में, ठीक है, उसको 3 महीने वक्त इन्होंने काम किया, करो ना, इतने सारे सेट्स हैं वहाँ पे, Level 1, Level 2, Level 3 के, इतना सॉल्व करो ना यार, प्रीवियस ईयर मॉक के, अगर जो अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं है वो प्रीवियस ईयर मॉक के सेट्स ले लो, वो सब करो, ठीक है, रोधा पे इतने सारे सेट पड़े हुए, वो करो, तो बहुत सारे सेट है करने के लिए यार। मैंने अनअकैडमी में वो मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है, ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा सर, आप अनअकैडमी लॉब में लॉगिन नहीं हो रहा है सर, वो तो मुझे नहीं आइडिया है, ठीक है, वो उधर मेल करना पड़ेगा सर। आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, देखो सब लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली, ओके, तो एकदम आराम से स्टार्ट करो, जो आपका डिवाइड करना है अपने प्रेप को, मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया, ठीक है, कि प्रेप में आपका जो डिवाइड करना था आपको, अब इस डिवाइड कर लो इस तरीके से, सो डिवाइड योर प्रिपरेशन इंटू टू फेजेज, राइट, जो मैंने बताया आपको यहाँ पे, ठीक है, सो डिवाइड योर प्रेप इंटू टू फेजेज, एंड टू फेजेस का मतलब क्या है, इन द फर्स्ट 80 डेज ट्राई टू सॉल्व लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ, ठीक है, एंड लास्ट का 90 डेज प्रेप विल गो विद द मॉक्स, तो मेक श्योर कि इस जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है, तो इस 80 डेज में आप एरिथमेट क्वांट में एरिथमेटिक ऑलजेब्रा एंड नंबर्स या ज्योमेट्री इन 3 मॉड्यूल पे अच्छे से कमांड कर लो, और LRDI में ट्राई टू रीच क्लोजर टू 300 सेट्स, ठीक है, जितना क्लोज पहुंचोगे 300 सेट के उतना तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा पहुंचता जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ना जो लास्ट का 90 डेज है वो मॉक्स के साथ चलेगा, एवरी हर 2-3 दिन में एक मॉक दिया, उसका एनालाइज किया, अपने वीकनेस से वर्क किया, जो छोटा मोटा जो मान लो बचा होगा, यहाँ ज्योमेट्री बचा हुआ है और PNC बचा हुआ है, वो उसको कर लिया 1 महीने में और प्रैक्टिस करी, तो लास्ट का 90 डेज चलेगा, ये मॉक बेस्ड प्रेप होता है, लास्ट का 90 डेज इज ऑलवेज मॉक बेस्ड प्रिपरेशन, ओके, तो मॉक के साथ साथ चलेगा वो प्रिपरेशन आपका, जो आपका मॉक जिधर आपका मॉक सिग्नल देगा, मॉक बोल रहा है कि भाई तुम ज़्यादा ध्यान दो इस पर, तुम वहाँ ध्यान दोगे, है ना, तो ये तुम्हारा मॉक डिसाइड करता है, अभी तुम्हारे पास 80 डेज टाइम है खुद से तैयारी करने का, जितना कर सकते अच्छे से, ओके, एकदम इनफ होगा, बहुत बहुत टाइम है, 170 दिन में 8 घंटे करो, 80 दिन में 2400 क्वेश्चन नहीं करो मे बी, ठीक है, बट एटलीस्ट 1200 क्वेश्चन करो, ठीक है, देखो अब यही है ना कि यहाँ पे लॉजिक काम आता है, यहाँ पे इतना बड़ा डेटा काम नहीं आता, राइट, अब बोलोगे सर 80 डेज हम अभी अपना प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हम 80 दिन में 2400 क्वेश्चन कर लें, है ना, बहुत लोग क्या बोले सर प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम 80 डेज में अपना हम 2400 क्वेश्चन कर लें, 2400 क्वेश्चन, ठीक है, अब मैं बोलूँगा सर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो सर एक काम करते हैं हम करेंगे 0 क्वेश्चन, ठीक है, या तो 2400 करेंगे तो 0 करेंगे, बीच का नहीं, तो ऐसे नहीं होता ना, ठीक है, जस्ट ट्राई टू क्लोज है, मान लो तुम 80 डेज में 2400 क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है, तो सर बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है 2400 क्वेश्चन, हम एक काम करते हैं कि हम सकल और दूर में पहुंचेंगे, तो मेरे पास ना पहले हम क्या करते हैं कि टाइम कम है, तो लेट्स ट्राई टू जो जो चैप्टर है पहले हम अपना डिवाइड कर लेते हैं, कि एटलीस्ट हम पहले 80 डेज में हम क्या करेंगे, तो हम पहले 80 डेज में अपना 3 मॉड्यूल पर कमांड करते हैं, तो 3 मॉड्यूल पे मैंने बोला है, तो 3 मॉड्यूल पे कमांड करना है, मे बी अराउंड 16 चैप्टर्स, तो मे बी अराउंड 1600 क्वेश्चन करते हैं, तो 16 चैप्टर पे कमांड करते हैं, है ना, 1600 क्वेश्चन करके, और फिर बाकी का 2 मॉड्यूल बाद के लास्ट के दो लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे, है ना, 2 महीने में, तो डिवाइड करो अपने प्रिपरेशन को, राइट, बट समझने इसका फंडा, कहने का मतलब बेसिकली ये है कि हर चैप्टर का 24 चैप्टर 2400 क्वेश्चन, दैट मीन्स इसमें ऑब्वियसली एथमेटिक के चैप्टर्स, ऑलजेब्रा के चैप्टर्स, नंबर्स के चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको कर लोगे तो तुम्हारा मॉक होने लगेगा,
और फिर मॉक के बाद तुम्हारा आराम से काम चलने लगेगा, ठीक है ना। तो मॉक स्टार्ट करना मेन एम है हमारे प्रिपरेशन का। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, ठीक है, क्योंकि मॉक में बहुत फ्लक्चुएट का ऑब्वियस, देखो ऑब्वियस ही बात है, सब सब कोई मॉक दिया, सबको 95 तो आएगा नहीं किसी मॉक में, है ना, किसी को 55 आएगा, किसी को 45 आएगा, बट 55 45 से फिर 95 पहुंचना होता है। तो इसलिए आप जितना इन डेप्थ पढ़ाई करोगे इतना आपको ज़्यादा ये हेल्प करेगा अपने प्रिपरेशन में, है ना। रोजा की वीडियो, हाँ बिल्कुल करो ना, रोजा की वीडियो सीरीज एकदम करो। अरे बेसिक नहीं है रोजा, रोजा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन डालने से बेसिक थोड़ी है, वो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। और कोई काम का कमेंट सब बता दिया तुम लोगों को मैंने यहाँ पे। अभी कोई डेली, मैं तुम लोग को डेली टारगेट दूंगा, ठीक है, अभी एज सच कोई तुम लोग ना अपने आप पे इतना, देखो बाद का टाइम ना बहुत टारगेट टारगेट वाला आता है, ठीक है, तो अब तुम लोग को इतना कोई अननेसेसरी लोड नहीं दे रहा हूँ मैंने अभी, बेसिकली अभी कोई डेली टारगेट पे भी वर्क नहीं करो, इसका भी टाइम आएगा, ठीक है, अभी अभी टारगेट का टाइम नहीं, डेली टारगेट का आएगा, मैं दूंगा लास्ट के 120 डेज में। अभी एकदम आराम से फ्री होकर पढ़ाई करो, ठीक है, एंड फ्री फ्लो होकर पढ़ो, एंड मेक श्योर दैट कि आप जो हमने टारगेट बनाया है कि 80 डेज में आपके LRDI में 300 सेट्स करने हैं, ठीक है, अब 300 नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 240 करो, है ना, जैसे ट्राई करो करने का, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 240 करो, कम से कम 3 सेट पर डे। क्वांट में ट्राई करो कि हम क्वांट में अर्थमेटिक अल्जेब्रा और ज्योमेट्रिक अच्छे से ख़त्म कर लें, ये नंबर्स है ना, 3 पे कमांड कर लें। तो अभी फ्री होकर पढ़ाई करो, फिर टारगेट का टाइम आएगा, क्योंकि जब जब टारगेट ध्यान देना, जब क्या होता है जब टारगेट आ जाएगा ना, तो फिर हमारा ना हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, हम उतना अपने स्किल पे काम नहीं कर पाते प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, क्योंकि हमको पता है कि एक दिन 20 क्वेश्चन करना है, 15 क्वेश्चन करना है, 4 सेट करना है, तो हम एक सेट पे तो टाइम नहीं दे पाएंगे। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे बिल्डअप होता है, जब हम एक क्वेश्चन पे या एक सेट पे थोड़ा टाइम देते हैं, राइट। तो अभी आपके पास टाइम है, अपना LRDI में कोई सेट नहीं बन रहा है, तो आप उसको उस सेट पे आप एक घंटे भी दे सकते हो, 1 आवर आप ट्राई कर सकते हो उस सेट को, क्योंकि ट्राई फॉर 1 आवर, ठीक है। क्वांट में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसको 30 मिनट तक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो ट्राइंग हार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसलिए टाइगर टाइम आएगा, अभी बिल्कुल फ्री फ्लो की पढ़ाई करो, ओके। अभी कुछ देखो ट्वेल्थ अभी एकदम यही तुम लोगों को बताता हूँ कि अगेन जो मैं तो बोलता हूँ ना रॉन्ग डायरेक्शन, अगेन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रॉन्ग डायरेक्शन का, ठीक है। सर अभी क्या बोल रहा है, अभी अभी जैसे ये बंदा क्या बोल रहा है कि सर ट्वेल्थ के बाद गैप का बता दीजिए, तुम ट्वेल्थ के बाद का गैप का कुछ कर सकते हो अभी क्या, कुछ बताओ, ठीक है, कैन यू गो टू द पास्ट एंड चेंज ट्वेल्थ, नहीं चेंज कर सकते ना। तो अब इसका अब क्या मतलब है कि अब तुमको हाई अच्छे परसेंटाइल लाओ, जब कॉल्स आएगा तो समय डिस्कस करेंगे कि भाई कुछ काम बनाएंगे कहानी, ITJEE में गैप हो गया, ऐसा गैप हो गया या प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब कब बनेगा, जब तुम्हारा अच्छा परसेंटाइल रहेगा तभी ना कॉल आएगा यार, ठीक है। तो इसलिए अल्टीमेटली ऑल इज परसेंटाइल, ट्वेल्थ में अगर इफ यू हैव गॉट नो गैप, ठीक है, एंड यू गेट 90% कोई कॉल नहीं आएगा, तुम्हारा कोई गैप नहीं है, ठीक है, एकदम परफेक्ट प्रोफाइल है, परसेंटाइल ही नहीं है ना, 90 आ गया, कोई कॉल नहीं आएगा, गैप्स हैं, ठीक है, 2 साल का 3 साल का गैप है, ठीक है, बट 99 आया, तुमको ज़्यादा कॉल आएगा, यू विल गेट मोर कॉल फ्रॉम दिस पर्सन, राइट, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, तो पर्सन बी विल रिसीव मोर कॉल देन पर्सन ए, ऑब्वियस ही बात है। तो अल्टीमेट एंड इज दैट परसेंटाइल, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एक दो दो पॉइंट अपने CV पे इम्प्रूव करते हुए, एक दो छोटे छोटे एक दो कोर्सेज कर लिए, छोटे छोटे एक दो इंटर्नशिप कर लिए, और करते करते हमारा मेजर एम परसेंटाइल पर होना चाहिए, मेजर एम, ठीक है। इनका भी गैप ईयर है, उनके लिए बता रहा हूँ, चलो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी दे आर डूइंग गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से ख़त्म करो, ठीक है। बैकलॉग कर रहे हो तो बैकलॉग इज़ नेवर अ बिग इशू, अगर आप बैकलॉग्स कर रहे हो तो बैकलॉग मतलब क्या, पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाई डूइंग बैकलॉग्स, यू आर स्टडिंग, तो आप पढ़ाई कर, तो अपने आप अननेसेसरी लोड क्यों लेना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, सर मेरा ना दिन में 6 घंटे निकल जाता है बैकलॉग करने में, हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या अज्यूम करूँ कि बैकलॉग कुछ और करो, नेटफ्लिक्स का कुछ छोटा होगा ना, ठीक है, या कोई सीरीज छोटा होगा, असुर छूट गया होगा, असुर 2 वही बैकलॉग खत्म कर रहे हो, क्योंकि बैकलॉग में पढ़ाई होता है। क्वेश्चन नंबर 2,
सर बैकलॉग में बहुत सारे वीडियोज हैं, ठीक है, हमें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूँ कि तुम कुछ और कर रहे हो बैकलॉग में? क्योंकि अगर बैकलॉग में वीडियोज ज्यादा हैं, मगर हमने क्लास में क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं, तो आप वहां पे वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए अपने आप पे अननेसेसरी लोड क्यों देते हो भाई? ठीक है, जिंदगी में ऐसे ही बहुत लोड है, तो अपने आप पे अननेसेसरी लोड मत दो। अगर मेहनत कर रहे हो तो काउंट करो, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो काउंट करो, बैकलॉग खत्म किया, पढ़ाई किया, इतने कुछ सीखा, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो फील गुड अबाउट दिस ना। व्हाई डू यू फील बैड? खराब क्यों फील करना है इसमें? ठीक है, देखो बर्नआउट इज वेरी कॉमन, राइट, ये तो सबके साथ होता है। ठीक है, तो बर्नआउट्स आर रियली कॉमन, बर्नआउट होगा ही होगा, क्योंकि आप अपने किसी भी बर्नआउट, तो कोई भी कर, किसी भी चीज़ का ना एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जॉस्ट हो, एग्जॉस्टिव होके तो बर्नआउट तो होगा ही। कोई लगातार जिम जा रहा है तो बर्नआउट, जिम में बर्नआउट हो जाएगा यार, कोई जिम थोड़ी इन्जॉय कर सकता है, 7 दिन 7 दिन जिम के 2-2 घंटे इन्जॉय किए, ऐसा होता नहीं, बर्नआउट होंगे ही। तो बर्नआउट आप ब्रेक लेते हैं, ठीक है, अब ब्रेक ये हर डे बर्नआउट नहीं हो रहा है, सो ट्राई टू टेक हाफ डे ब्रेक, बहुत लंबा ब्रेक तो नहीं ले सकते अपने प्रिपरेशन में, हाफ डे का ब्रेक ले लो। ठीक है, तो हाफ डे का ब्रेक ले लिया, ओके, काइंड ऑफ एवरी 10 डेज में, तो एवरी 10 डेज में हाफ डे का ब्रेक ले लिया, एंड देन फील गुड अबाउट इट, ठीक है, अच्छा थोड़ा फ्रेश हो गए। अगर हाफ डे का ब्रेक नहीं ले, ये ब्रेक ले लिया, सेकेंड चीज़ है कि अब बर्नआउट और तब कम होगा, बर्नआउट को लेस कर सकते हैं इफ तुम्हारा लाइफ में वाई इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो वाई तुम्हारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि तुम क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, वाई यू आर प्रिपेयरिंग दिस, राइट? तो ऑब्वियसली जब तुम्हारा वाई क्लियर है कि नहीं भैया मेरा पूरा पूरा जो लाइफ था ना वैसे ही बीत गया, हाँ मेरा पूरा लाइफ वैसे बीत गया सर, 10th एवरेज, 10th में कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, 12th में कॉम्प्रोमाइज़ किया, हाँ ग्रेजुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब पूरा लाइफ एवरेज निकल गया। एक तो अच्छा एग्जाम लाइफ में क्लियर करना है, तो जब अंदर से ये मोटिवेशन रहेगा ना कि एक तो अच्छा एग्जाम लाइफ में क्लियर करना है, किसी अच्छे पोजिशन पर जाना है, ठीक है, अकाउंट में 2 लाख रुपये सैलरी क्रेडिट हो पर मंथ, ठीक है, तो 2 लाख सैलरी पर मंथ आए, ओके, तो ये सब जब आगे तुम जैसा जो रहेगा ना मोटिवेशन, तो तुमको तुम्हारा बर्नआउट कम फील होगा, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर टारगेट, ओके। इसलिए अपना वाई क्लियर रखो कि क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो ये चीज़ें क्या होती है, तुम्हारा बर्नआउट रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सुप्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। ठीक है, और गाइस अब चलते हैं, ठीक है, सो अब फिर कभी मिलेंगे किसी और दिन, ओके, बहुत सारे भी काम है, 5 बजे मेरे डे क्लास भी है, थोड़ा उसको भी देखना है, ठीक है, सो अगेन विल मीट गाइस। तो आई थिंक काफ़ी आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन ऑल दिस सेशन, मैंने तुम लोग का सारा डाउट ले लिया, आई हैव टेकन एवरीथिंग काइंड ऑफ अकैट्स का भी, प्रोफाइल का भी, इंटर्नशिप का भी, आई टेकन एवरी पॉसिबल थिंग इन दिस सेशन। ठीक है, तो किसी को भी बीच में कुछ छूटा होगा तो आराम से इसको देख सकते हो, 2 वीक्स में देख लेना, अपना अपना पोर्शन ढूंढ लेना। ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट सी दैट, अगर पढ़ सकते हो तो इफ़ यू आर फ्री, देखो जो लोग अगर फ्री है, एक चीज़ लास्ट बताता हूँ कि जो लोग अगर अभी वर्क नहीं कर रहे, फ्री रहते हैं, तो जो लोग फ्री रहते हैं दे कैन स्टडी ऑल 3 सेक्शंस डेली। ठीक है, जो लोग जॉब वॉब कर रहे होते हैं ना, तो इन लोग को 2 सेशन डेली करना चाहिए। ठीक है, मतलब आज क्वांट और LRDI, कल क्वांट और VARC, परसों क्वांट और परसों VARC और LRDI, ऐसे करके। तो क्या होता है ना कि इससे माइंड पे अननेसेसरी लोड नहीं रहता कि अब तुम बोले आज जॉब किया है, 5 घंटा पढ़ाई करना है, तो हमको पढ़ाई, देखो जॉब करिए नहीं करें, हमको पढ़ाई तो इनडेप्थ करना है ना, तो वी नीड टू स्टडी इनडेप्थ पढ़ाई करनी है मुझे। तो इसलिए अगर माइंड पे लगा आज के दिन मेरे को क्वांट और LRDI पढ़ना है, मेरे 5 घंटे हैं, तुम इन डेप्थ टाइम दे पाओगे दोनों साइड पे। ठीक है, अल्टीमेटली वीक का आउटपुट सेम ही रहेगा ना, तुम ऐसे पढ़ो या तुम ऐसे पढ़ो, एक वीक का तो आउटपुट सेम ही रहेगा ना, इट वुड सेम, राइट? तो एक वीक का आउटपुट वहाँ सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इट डजंट मैटर, ओके, एकदम हो जाएगा शुभम, ट्राई टू 99 एकदम आएगा, 170 डेज, 6 to 8 hours पर डे इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ 170 डेज, जिसके भी पास टाइम है, जो स्टार्ट कर रहे हो, 6 to 8 hours पर डे इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन सही है पढ़ाई करने का, राइट, तो यू श्योरली गेट 99+। ठीक है, चलो अब ना मिलते हैं गाइस। ठीक है, किसी और क्लास में मिलना ना यार, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, प्लीज़ बताइए क्या करूँ मैं, अराउंड 10 आवर्स डेली देता हूँ फिर भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। वही है, देखो जितना कम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, मोबाइल से दूर, मोबाइल तुमको अपने आप को, देखो थोड़ा बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर अपने लाइफ में इतना अभी तक बहुत कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है,
सो यू नीड टू सेक्रीफाइस लिटिल बिट, राइट? ठीक है, तुमको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो मोबाइल थोड़ा कम देखो, ठीक है, 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ो. जब भी पढ़ाई करते हो 2 घंटे स्लॉट में पढ़ाई करो. अभी पढ़ने बैठे 2 घंटे तक उठना नहीं है, तो 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई किया करो. ये अच्छा होता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. ठीक है, इस 2 घंटे के पीछे मोबाइल मत देखो, लीव आउट मोबाइल. ठीक है, एंड मोर ओवर अपना वाई, अगेन सेम चीज़, अपना वाई क्लियर रखो कि तुम क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है, यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, राइट? तो तुमको पता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम अपना प्रोडक्टिविटी कम रख रहे हो, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है. तो डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ तुम और तुम कम कर सकते हो, और कोई कम नहीं कर सकता. ओके, कर देना फिर. बाकी जो प्लस वाले लोग थे, मिलते हैं रात में, रात क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तुम लोग तो क्लास में डिस्कस कर लेना. ठीक है, आई एम गेटिंग लेट फॉर समथिंग, राइट? सो अगेन विल मीट यू गाइस. ठीक है, फिर मिलते हैं उसके बाद. ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, सी यू, ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे हम लोग. ठीक है, अभी कल परसों में स्पेशल क्लास करेंगे, वहाँ भी क्वेश्चन वगैरह करते हैं. स्टार्ट फ्यू स्पेशल क्लासेस ऑल्सो, है ना? चलो बाय बाय देन, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय 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 बाय.